हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि भाजपा ने हाल ही में हरियाणा के जींद में हुंकार रैली के नाम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाग लिया था, मगर इस रैली में लोगों की कम संख्या के चलते भाजपा की हुंकार और फुंकार दोनों ही निकल गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस आज अलग अलग गुटों में बटी हुई है और केवल अपना वजूद बचाने के लिए सोनिया गांधी व राहुल गांधी के सामने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के हितों की बजाय अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह सियाग की रिपोर्ट। पिछले दिनों सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदेश का एक दफा और माहौल खराब हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जींद में बुलाया। जींद में बुलाने का मकसद केवल एक था कि किसी तरीके से हरियाणा प्रदेश के भाईचारे में फिर से खलल पड़े, वहीं उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मोटरसाइकिल रैली, जिसको उन्होंने हुंकार रैली का नाम दिया था, उस हुंकार रैली की भी हवा निकालने का काम किया। आज जो कांग्रेस की हालत है वो इस भाजपा से भी ज्यादा बुरी है। आज कांग्रेस 7-8 गुटों में बटी हुई है। 10 साल में लोगों ने कांग्रेस को भुगता है। आज कांग्रेस ही एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और कैसे सोनिया गांधी राहुल गांधी के सामने अपनी ताकत का इजहार किया करवाया जा सके, उसके लिए कोई साइकिल यात्रा कर रहा है, कोई रथ यात्रा कर रहा है। ये रथ यात्रा साइकिल यात्रा जो है प्रदेश के हितों के लिए नहीं है। प्रदेश के लोगों को सरकार जो अनदेखी कर रही है, प्रदेश के लोगों के हितों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, उसके लिए नहीं लड़ रही, ये तो अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं बेचारे। आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए, कांग्रेस और भाजपा का इस प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाए।